हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गेम शो कसक्का है पब्लिक, आप सभी का स्वागत है संविधान के लेक्चर नंबर 2 में। क्या बात है, आज बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन रखा है, ये लेक्चर जूम पे हो रहा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आज सब तैयार थे। बोले सर क्या बात है, 10 बजे सर लेक्चर लेने वाले हैं, सारे रेडी थे भाई, क्या बात है भाई। अच्छा, हैरानी की बात यह है, सारी ज्यादा लड़कियों ने चेहरा ऑन रखा है, बेचारे हमारे लड़के जो हैं ये एकदम मस्त ने सोए होंगे अभी बेड पे, है ना जी। सोले क्या ही ऑन करना कैमरा, क्या बात है भाई साहब। चलिए स्वागत है आप सभी का, है ना, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, है ना, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे करते क्या हो तुम लोग ऐसा रात में? मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ 10 बजे, बट आप करते क्या हो रात को 10 बजे? ऐसा वैसा मत कहना, है ना, पता चला कोई ऐसी वैसी चीजें बता रहा है, सर रात को ऐसी चीजें करते हैं, वो सब छोड़ के करते क्या हो? सारे कह रहे हैं पढ़ाई करते हैं। ए इतने सीधे तो तुम हो नहीं, कुछ होंगे वेब सीरीज देखते हैं, बहुत बढ़िया, चैटिंग करते हैं। ओ हो, कोई लड़की कहती है बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ। ओ हो भाई साहब, दीदी तो भैया प्रो निकली, दीदी तो प्रो निकली। अंशी वर्मा कहती है, अंशी वर्मा कहती है बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ। भाई साहब, वो भाई साहब, ये देखो ऐसे ऐसे हैं नौजवान हमारी क्लास में, है ना, ये हैं, कई सारे होंगे जो लगे पड़े रहते होंगे अभी, है ना। तो अभी देखो जब भी रात को 10 बजे लेक्चर होगा, तुम्हारी बेबी और शोना को पहले ही बोल देना कि ये टाइम तुम्हारा अभी गुड नाइट हो गया है, अभी हमारा पढ़ने का टाइम है, बराबर। चलिए जी शुरू करते हैं, आ जाओ एवरीवन, स्वागत है। ओके भाई साहब, सो यस, क्या चल रहा था हम लोगों का? कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, टुडे इज लेक्चर नंबर 2 इफ यू नो, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, 2 बराबर क्या? सो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे भारत देश का संविधान सबसे लार्जेस्ट है। पहली कंट्री कौन सी थी जिसने फर्स्ट टाइम संविधान बनाया था? इट वाज यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने फर्स्ट टाइम संविधान बनाया था, ठीक है, 1789 में, दैट वी हैव सीन, है ना। फिर हमने प्रियम्बल पढ़ा था और मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। यस ओके, तो मैंने आपसे प्रियम्बल पढ़ाया था, मैंने आपको और बताया था, कुछ दो क्वेश्चन पूछे थे। चलिए तो सबसे पहले प्रियम्बल क्या था वो देख लेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम इस भारत देश के लोग, हैविंग सोलेमली मतलब मिलके, रिजॉल्व मतलब डिसाइड करते हैं, टू कंस्टिट्यूट इंडिया की इंडिया को बनाएंगे, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा भारत देश भैया इंडिपेंडेंट होगा, किसी के बाप में दम नहीं है जो हमको कंट्रोल करे, सोशलिस्ट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए हम सारा काम करेंगे, सेक्युलर इंडिया का कोई रिलीजन नहीं होगा, डेमोक्रेटिक एक बंदे का एक वोट होगा, रिपब्लिक राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा ना भैंस की आंख वो राजा बनेगा, ठीक है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, हम हमारे सारे सिटीजन को देंगे, क्या देंगे सिटीजन को? जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक कल और पॉलिटिकल न्याय देंगे, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनैतिक रूप से हो, भाई साहब लिबर्टी देंगे, सोचो जो सोचना है, जो सोचना है सोचो, जैसा सोचना है सोचो, है ना। रात को तो वैसे ही गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, सोचो जितने गंदे थॉट सोच सकते हो सोचो, सोचने में कोई बुराई नहीं है, जैसा सोचना है सोचो, लिबर्टी ऑफ थॉट है आपके पास, एक्सप्रेशन है, जो डांस करना है, गाना गाना है, बोलना है बोलो, बिलीव फेथ किसी पे ट्रस्ट रखना है रखो, पूजा करना है करो पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हम सारे सब लोगों को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वेलिटी देंगे, और इक्वेलिटी मतलब इक्वल देना नहीं, इक्वल लेके आना होता है। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, सबके बीच में बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? फ्रेटर्निटी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेटर्निटी? भाईचारा बढ़ाएंगे, जिससे हर इंसान की डिग्निटी हो और देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी हो, देश में एकता हो और ऑनेस्टी हो। और हमने ये संविधान को अपने आप को सौंपा था, अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, अपने आप को सौंपा था ऑन 26 नवंबर 1949। आई शैल आस्क सर्टेन क्वेश्चन, चलिए बताओ हमारा संविधान कौन सी तारीख से एप्लीकेबल हुआ था? सब लोग का आंसर आना चाहिए फटाक से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, हमारा संविधान कौन सी तारीख से एप्लीकेबल हुआ था? स्नेहा केशरी, क्या कर रहे हो आप केशरी जी? स्नेहा केशरी जी, ओ भाई साहब, स्नेहा केशरी जी आप क्या कर रहे थे? बहुत बढ़िया, चलिए ओके। यस, हमारा संविधान एप्लीकेबल हुआ था 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर, वंडरफुल। अच्छा, हमारा संविधान कौन सी तारीख को अडॉप्ट हुआ था ये बताओ, अडॉप्ट कौन सी तारीख को हुआ था ये बताओ, अडॉप्ट, अडॉप्ट कौन सी तारीख को हुआ था?
यस बताइए बॉस। मैं बादल बन जाऊं और तुम बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसे। इतना वाहियात गाना है ना ये, मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना है। इतने क्यूटी आपा सॉन्ग बनाते हैं ना आजकल के बॉलीवुड में, है टोनी कक्कड़ इससे अच्छा बना ले। मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना, मतलब तो हद है क्यूटी आपे की, हद है। चलिए ओके ओके भाई। यस हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर। वंडरफुल एवरीवन, वंडरफुल एवरीवन, क्या बात है यार, क्या बात है यार, छा गए यार आप लोग, छा गए, बहुत बढ़िया। चलिए बॉस मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दो, चलो डिस्कस कर लेते हैं उसको। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रियम्बल, क्या ये संविधान का पार्ट है, यस और नो बताइए बॉस, बताइए बॉस क्या ये संविधान का पार्ट है। तो आंसर इज यस, ये संविधान का पार्ट है। एक केस में डिसाइड हुआ था, केस का नाम है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस क्या था मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि ये केस था केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कौन सा केस था बताइए, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, जिसमें डिसाइड हुआ था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना जी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, संविधान में आज तक कितने अमेंडमेंट्स हुए, संविधान में आज तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं बताइए जी। चलो कौन बताएगा, बताइए भाई कौन बताएगा, कौन है बताइए जी, आप में से जो मुझे बताएगा संविधान में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। लाला बताओ ना लाला, कम ऑन लाला बोलिए लाला। चलिए यस बताओ बताइए। तो 105 कई लोग कह रहे हैं, 105 कई लोग कह रहे हैं, कई लोग 103 कह रहे हैं। यस 105 कह रहे हैं कई लोग, कई लोग 103 कह रहे हैं, कई लोग 104 कह रहे हैं। चलिए सो एक्चुअली जो 105th अमेंडमेंट था, एक्चुअली 105 अमेंडमेंट हुए हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन जो 105th अमेंडमेंट था ना उसको 104th में ही डाला गया है। सर हमारे एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, तो आपको 104 अमेंडमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। 104 आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, 104 अमेंडमेंट्स अभी तक हमारे संविधान में हुए हैं। कितने अमेंडमेंट दोस्तों, 104 अमेंडमेंट जो है आपको ऐसा डालना पड़ेगा कि 104 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक जो हो चुके हैं, है ना। तो उसको 104 अमेंडमेंट में ही डाल लोगे आप उसको, है ना। 101 जो 105th अमेंडमेंट था, है ना जी, जो 105th अमेंडमेंट था वो एक्चुअली 104 में ही ऐड किया गया था। आप उसको 104 अमेंडमेंट ही मानते हैं हम लोग, एंड क्यों उसको 104 मानते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे उसको बताया गया था, क्या किया गया था, तो वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, बट यस दैट आई विल लेट यू नो। उसकी आप चिंता मत कीजिए, अभी तक याद रखिए 104 आप लोग याद रखेंगे। हुए 105 है एक्चुअली, 104 अगस्त में हो गया था, फिर जनवरी में 105वां अमेंडमेंट आया था, बट हमें उसको 104 ही मानते हैं, क्यों क्या कैसे वो आगे पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी फॉर दैट। चलिए अभी ध्यान देंगे सब लोग, आ जाइए बॉस अभी अभी ध्यान देंगे। आर्टिकल कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, सेक्शन कहता हूँ, पार्ट्स कितने हैं, स्केड्यूल कितने, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। चलो आ जाओ अब ध्यान से सुनना सारे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को अच्छे से एकदम, ठीक है। ध्यान देना सब लोग, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, सुनोगे। चलो मुझे बताओ हमारा देश जो है भारत, वो कितनी चीजों से चलता है, पता है किसी को हमारा देश कैसे चलता है। सर एक तो गाड़ियों से चलता है, एक सर एयरप्लेन है, सर रोड है, सर बसेस है, सर वहां से चलता है इंडिया, है ना। कैसे चलता है हमारा इंडिया, कैसे चलता है, लॉ से चलता है कई लोग कहते हैं। तो भैया हमारा देश तीन चीजों से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, जो कि सरासर गलत है। हमारा देश तीन चीजों से चलता है, एक है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, एक है एग्जेक्यूटिव और एक है जुडिशियरी। हमारा देश तीन चीजों से चलता है,
एक है लेजिस्लेचर, एग्जेक्यूटिव और जुडिशरी। क्या है ये, आज मैं आपको ये समझाता हूं। क्या है ये, आज मैं आपको समझाता हूं। लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जेक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, आज हम ये समझते हैं, ठीक है? बिकॉज ये बेसिक है, समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है? आ जाओ, चलो समझते हैं। लेजिस्लेचर को कहते हैं लॉ मेकिंग अथॉरिटी। क्या कहते हैं बोलो? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। जैसे मेरी मॉम है ना, उन्होंने मेरे लिए रूल बना के रखा हुआ है कि तेरी कोई फ्रेंड घर पे नहीं आएगी, बंदों को जितनों को लेके आना है आप, बंदियां एक भी नहीं आनी चाहिए घर पे, कदम नहीं होने चाहिए बंदियों के इस घर पे। मम्मा ने मेरे लिए रूल बनाया हुआ है, मम्मा ने मेरे लिए रूल बनाया हुआ है कि तू घर पे खेलेगा नहीं, ठीक है? तू घर पे खेलेगा नहीं। मम्मी ने क्या कहा है, तू घर पे खेलेगा नहीं, मम्मा ने घर पे खेलने से मना किया है, तो मम्मा ने मेरे लिए रूल बनाया हुआ है, ठीक है? बहुत सारे रूल बनाया हुआ है। सो मम्मा हो गई लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। जो हमारे देश में लॉ बनाता है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी। मेरे को बताओ देश में लेजिस्लेचर कौन है, मेरे को बताओ देश में लेजिस्लेचर कौन है, किसी को पता है? तो देश में लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देश में लेजिस्लेचर कौन है बेटा? हमारे देश में लेजिस्लेचर, दे हमारे देश में लॉ कौन बनाता है बेटा, हमारे देश में कानून कौन बनाता है बच्चा? हमारे देश में कानून बनाती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट देश के लिए लॉ बनाती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक राज्य के लिए लॉ बनाती है, एक राज्य के लिए लॉ बनाती है। जैसे महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र के लिए लॉ बनाएगी, बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार के लिए लॉ बनाएगी, मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मध्य प्रदेश के लिए लॉ बनाएगी, ओडिशा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा के लिए लॉ बनाएगी, और पार्लियामेंट देश के लिए लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं विधानसभा, विधान परिषद। कौन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अब ये क्या होते हैं सर, इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो दे आर लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ये लोकसभा में कौन होते हैं, कैसे लोकसभा में बैठते हैं, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं राज्यसभा में बैठ सकता हूँ, क्या मैं विधानसभा में बैठ सकता हूँ, क्या मैं विधान परिषद में बैठ सकता हूँ, कौन बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, कितनी सीट्स होती है, ये सब पढ़ेंगे, कैसे उनका सिलेक्शन होता है सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना हमारे देश में जो लॉ बनाता है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर, और हमारे देश में लॉ मेकिंग अथॉरिटी दो है, एक तो है पार्लियामेंट, दूसरी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो देश के लिए लॉ बनाए वो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और जो एक राज्य के लिए लॉ बनाती है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें भी दो हाउस हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। ये लॉ बनाने का काम करते हैं, ये लॉ बनाने का काम करते हैं। देश के लिए लॉ पार्लियामेंट बनाती है, राज्य के लिए लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, ठीक है? राज्य के लिए लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, ठीक है? हमने डिवाइड करके रखे हुए हैं कि कौन से टॉपिक पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कौन से टॉपिक पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, ये हमने डिवाइड करके रखा है। जैसे रेलवे पार्लियामेंट लॉ बनाती है रेलवे पे, इनकम टैक्स पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वहीं गुटखा, गुटखा पता है? ए भाई सब बढ़िया, सब ठीक है। गुटका पता है ना, गुटका इस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है, इसलिए आपने सुना होगा महाराष्ट्र में गुटका बैन है, मध्य प्रदेश में चालू है, क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है। हर स्टेट में अलग अलग लॉ हो सकता है। दारू, लिकर, लिकर पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है, इसलिए आपने देखा होगा गुजरात में दारू बैन है, बिहार में दारू बैन है। हाँ जी, सुन के आश्चर्य होता है बट बिहार में दारू बैन है, एमपी में चालू है, कर्नाटक में चालू है, ओडिशा में चालू है, महाराष्ट्र में चालू है, गुजरात और बिहार में बैन है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है लिकर पे, मतलब दारू पे, इसलिए कुछ जगह वो बैन है कुछ जगह अलाउड है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया देश के लिए लॉ पार्लियामेंट बनाती है, राज्य के लिए लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। हमने ना बायफर्गेशन किया हुआ है कि कौन से टॉपिक में हमने, मतलब संविधान ने बायफर्गेशन किया हुआ है कि पार्लियामेंट कौन से टॉपिक पे लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से टॉपिक पे लॉ बनाएगी। ये प्रॉपरली बायफर्गेटेड है, प्रॉपरली बायफर्गेटेड है। सो अभी हमारे को उसमें पढ़ना नहीं है, वो पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए यस पार्लियामेंट
और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहते हैं लॉ मेकिंग अथॉरिटी. क्या कहते हैं जल्दी बताइए इसको, हम लॉ मेकिंग अथॉरिटी कहते हैं. वंडरफुल, कंफर्टेबल, वेरी गुड. सो मेरे घर में मेरी मम्मा ने लॉ बनाया था. क्या लॉ बनाया था? कि तू घर पे खेलेगा नहीं. तो मम्मा कौन बन गई? लेजिस्लेचर बन गई मम्मा. अब मैं घर की छत पे खेलने लग गया, मैं घर की छत टेरिस पे खेलने लग गया मैं. तो मम्मा ने ना पापा को बोला, मेरे पापा को बोला कि आप इस पे ध्यान रखो कि ये खेला ना करे घर पे. मेरी मम्मा ने पापा को बोला कि आप इस पे ध्यान रखो कि ये खेला ना करे घर पे. मैं कहाँ कहाँ घूमते फिरूंगी, कहाँ कब तक देखते फिरूंगी. मेरा काम था कानून बनाना, मैंने बना दिया. अब आप देखते बैठो ये खेलता है नहीं खेलता. तो मेरे पापा बन गए एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी. बोलो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी. एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई है ना, म्युनिसिपल कमिटी, ये एमसीपी, म्युनिसिपल कमिटीज. ठीक है, अपने म्युनिसिपैलिटी. ठीक है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज. ये लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, आरबीआई, ये सब, एलआईसी, ये सब लोग लॉ चलाने का काम करते हैं. जैसे लॉ बना तो दिया, लेकिन लॉ चलाने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए ना. अरे लॉ बनाना अलग बात हो गई, लॉ चलाना अलग बात हो गई. जैसे कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया. कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 पार्लियामेंट ने बनाया. मेरे को कोई बता सकता है कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट से एक बॉडी बनी लॉ चलाने के लिए, वो बॉडी का नाम क्या है? एनीवन फ्रॉम दिस क्लास कैन टेल मी, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट से एक बॉडी बनी लॉ को चलाने के लिए, वो बॉडी का नाम क्या है? वो बॉडी का नाम क्या है बताइए, बताइए कोई. वेरी गुड, आईसीएसआई. क्या बात है भाई साहब. तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट को चलाने के लिए एक बॉडी बनी जिसका नाम है आईसीएसआई. आईसीएसआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है. जैसे मान लो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, निब्बा निब्बी एक्ट. लॉ का नाम क्या था? निब्बा निब्बी एक्ट. और उस लॉ में लिखा हुआ था साफ साफ कि कोई भी निब्बा निब्बी को मिले, बाबू ने थाना थाया पूछा तो उम्र कैद. उस लॉ में लिखा हुआ था किसी भी निब्बी ने अगर अपने निब्बे को बोली कि अब्बा नहीं मानेंगे, या फिर निब्बी ने निब्बा को बोली कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, या फिर बोली आई वांट टू फोकस इन माय करियर. किसी का ऐसा वाला कटा है? ऐसा वाला कटा है किसी का कि लड़की ने बोल दिया आई वांट टू फोकस इन माय करियर? मुझसे दर्द मत पूछना मेरा. चलिए ओके, अभी ध्यान देना. सो कहने का मतलब, अगर लड़की इस प्रकार की कोई बात बोलती है तो सजाए मौत. निब्बा निब्बी एक्ट में हमने लिखा, और उस एक्ट में उस लॉ को चलाने के लिए हमने एक बॉडी बनाई निब्बुड़िया. और निब्बुड़िया बॉडी उस लॉ पे, मतलब सारे निब्बा निब्बियों पे नजर रखेगी, उनके लिए रूल्स बनाएगी, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन लाएगी, टाइम टू टाइम ऑर्डर्स लेके आएगी. निब्बुड़िया करके हमने एक बॉडी बनाई निब्बुड़िया. वैसे ही जैसे हमने बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये तो लेजिस्लेचर ने बनाया, लेकिन उसको चलाने के लिए लाया आरबीआई. उसको चलाने के लिए कौन आया? आरबीआई आ गया. बात समझ रहे हैं? लॉ आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन उसको चलाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया. बात समझ रहे हैं? हमने लॉ लाया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, लेकिन उसको चलाने के लिए एक बॉडी आई जिसका नाम है LIC. बात समझ रहे हैं? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी एक बॉडी है जो लॉ को चलाने में मदद करेगी. कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट आया, वो लेजिस्लेचर ने लाया, लेकिन एक बॉडी आई जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट को चलाती है, वो आईसीएसआई. वो कौन है जी? वो है जी आईसीएसआई. वो कौन है भैया? वो है आईसीएसआई. बात समझ रहे हैं बताओ. तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है. विल दिस क्लास बी अपलोडेड इन यूट्यूब? यस भैया, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी. टेंशन मत लो जी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, है ना जी. सो सर कमेंट में कुछ और चल रहा है. क्या चल रहा है भाई कमेंट में? ए यहाँ पे सेटिंग देखो भाई, मैं पहले कह दूं ये क्लास में सेटिंग वेटिंग नहीं बनाना है, पता चले यहीं तुम सेटिंग वेटिंग बनाने लग गए. हाय प्रिया, हाय रिया, हाय बेबी, हाय शोना. पहले कह रहा हूँ भाई, तुम्हारे सर सिंगल है, तुम भी सिंगल बनो, प्रेरित हो मेरे से थोड़ा. ठीक है
और जिनके ब्रेकअप है मैं पहले बता रहा हूँ उनके सबको ब्रेकअप करवा दूंगा मैं, मतलब जिनके पैचअप है सब। चलिए ओके, प्राची अग्रवाल किससे बात कर रहे हो, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए मैडम, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, है ना जी। चलिए ओके, अभी ध्यान देना जी, बड़ा सिंपल है ये। देखो पवन, देखो पवन तपारिया जी, कहाँ घूम रहे हो आप, किधर घूम किधर रहे हो भाई, घूम किधर रहे हो आप। वाह भाई, अनंत गोयल को देखो क्या लेट के लेक्चर देख रहा है, वाह भाई वाह, जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो, माँ कसम है वेब सीरीज चल रही हो, एक नंबर शो चल रहा हो, क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत सही अप्रोच है तुम्हारी। ये देखो अदिति शुक्ला जी को देखो, ये किसको लेके आई है, वाह बहुत बढ़िया, अभी देखो हमारे नर्सरी के भी बच्चे ही अपना लेक्चर देख रहे हैं, वाह भाई वाह क्या बात है। आशीष कहता है जिनको जिनको मिंगल होना है आ जाओ मेरे पास। ए आशीष ऐसा बोलेगा ना तो जीवन में कोई नहीं आएगा। चलिए भाई ओके, चलिए भाई आ जाओ जी। सो यस, बड़ा सिंपल है। तो लॉ बनाने का काम कौन करता है, लेजिस्लेचर, लॉ चलाने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि नहीं है, ठीक है, पूछूं, चलो बताना, पूछ बताऊं, पूछ पूछूं, चलो बताना 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 बताना। गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट किस में आएगा बताओ, लेजिस्लेचर में आएगा कि एग्जीक्यूटिव में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट किस में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा, गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में आती है। अच्छा मुझे बताना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस में आएगा बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस में आएगा, बहुत बढ़िया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मेरे घर में लॉ बनाया था मम्मा ने कि तू घर पे खेलेगा नहीं, और पापा को बोला था कि आप इस पे नजर रखना, तो मम्मा इज अ, मम्मा ने लॉ बनाया, मम्मा इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, पापा को नजर रखने का, पापा इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब मैं घर की छत पे खेलने लग गया तो पापा ने मेरे को रोका, बोले यहाँ पे खेलना नहीं। मैंने कहा पापा मम्मा ने लॉ बनाया था उसमें लिखा था कि घर में मत खेलना, मैं छत पे खेल रहा हूं घर में नहीं खेल रहा हूं। मेरे पापा ने कहा मेरे बावड़े बच्चे छत भी तो घर में आती है। मैंने कहा नहीं 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 मम्मा ने कहा था घर में मत खेलना, मैं छत पे खेल रहा हूं, भैया छत पे खेलना अलाउड है। अब मेरे और पापा के बीच में डिस्प्यूट हो गया। वैसे ही कई बार इंसानों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, गवर्नमेंट और इंसानों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। देख आपका आईसीएसआई से झगड़ा हो गया, आपका आरबीआई से झगड़ा हो गया, आपका म्यूनसिपैलिटी से झगड़ा हो गया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से झगड़ा हो गया, तो एक बंदा तो चाहिए जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, तो आती है जुडिशियरी। जुडिशियरी इज अ डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी। जुडिशियरी क्या करती है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, झगड़ों को सुलझाती है। तो अब मेरे और मेरे पापा में झगड़ा हो गया तो हम जाएंगे मेरी दादी के पास, मेरी दादी हमारा झगड़ा सुलझाएगी। तो जो झगड़ा सुलझाए उसे कहते हैं जुडिशरी, उसको कहते हैं डिस्प्यूट, डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी, डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी। और इन तीन चीजों से हमारा देश चलता है, इन तीन चीजों से हमारा देश चलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीन चीजों से हमारा देश चलता है, ठीक है। अभी तो सबसे बढ़िया देश चला रहे हैं तालिबानी, तालिबान के लोग अभी सबसे बढ़िया देश चला रहे हैं, हैं वीडियोस देख रहे हो तुम, वीडियोस देख रहे हो उनकी, वाह भाई वाह, हैं बिना यूपीएससी पास किए कलेक्टर बन रहे हैं लोग, हैं भाई भाई, वो जो प्रेसिडेंट का घर था, प्रेसिडेंट का जो मतलब वो यू नो ऑफिस था, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने एकदम यो नाइट आउट करने के लिए अपन जो दोस्तों के घर नहीं जाते हैं पार्टी करते हैं वैसे बना दिया है। राष्ट्रपति जो केंद्र है, शासन है, जो भी है घर है उनका, वाह भाई वाह एक नंबर है, जिम कर रहे हैं भाई वाह एक नंबर, अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स कर रहे हैं तालिबानी अफगानिस्तान लेके, है खतरनाक हालत है वहां की, वैसे बाय द वे खतरनाक हालत है, एनीवे खतरनाक हालत है। चलिए जी ओके आइए बॉस। तो ये भैया याद रखना, तो हमारा देश जो है तीन चीजों से चलता है, विच इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दोस्तों यही तीन चीज है जिससे हमारा देश अच्छे से चल रहा है। लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, लॉ चलाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, और डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम जुडिशरी का होता है, जिसमें कोर्ट्स आते हैं, जिसमें कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हमें सब पढ़ना है, हमें लेजिस्लेचर के बारे में भी पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जीक्यूटिव के बारे में भी पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जुडिशरी के बारे में भी हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें बहुत सारी बातें करनी है संविधान में, बहुत सारी मजेदार एक से एक बातें करनी है संविधान में, आपको पढ़ के
100% मजा आएगा भाई साहब, 100% मजा आएगा, बात ही नहीं आती कोई भी, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, एवरीथिंग वी गना डू इन वेरी डिटेल। मेरे को बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ यहां तक की कहानी, यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, मेरे को बताओ यहां तक की कहानी में कोई शक? माई ड्रीम is to fly, I'm on a rainbow so high। चलिए भाई, okay, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है सर जिम जा रहे हो क्या आप रोज? भैया रोज जा रहा हूँ जिम, बस एक हफ्ता नहीं गया था बीच में जब पुणे में था, रोज जिम जा रहा हूँ मैं। तुम बोला करो बीच बीच में, सर क्या बॉडी लग रही है, सर क्या फिटनेस लग रही है, सर क्या दिख रहे हो, ऐसा बीच बीच में बोलते रहने का भाई, है ना, मोटिवेट होता हूँ मैं, पहले कह रहा हूं मैं तुम्हारे को। और किसी ने बोला है मेरे को, किसी ने ऐसे नाम लिए हैं कि सर अगरबत्ती दिख रहे हो, सर मोमबत्ती दिख रहे हो, सर लकड़ी दिख रहे हो, ऐसा किसी ने बोला है, तो वहीं पे एक पड़ेगा फ्लाइंग चाटा, सीधा फ्लाइंग चाटा पड़ेगा, फ्लाइंग चाटा। चलिए भाई ओके, अब ध्यान देंगे। कोई कह रहा है सर प्लीज रिपीट कर दो, ये रिपीट वाले बच्चे ना लेट आते हैं, ये लेट आते हैं, और लेट आके जैसे मुजरा नहीं होता तो मुजरा हो रहा है सामने, हमने कर दिया वंस मोर, वैसे ही सर लेक्चर पढ़ा रहे हैं, अपन तो लेट आए हैं, वंस मोर सर, एक और बार हो जाए सर, मजा आ जाएगा सर। अबे मेरे झंडुओं थोड़ा जल्दी आया करो, हैं, जब लेक्चर चालू होता है तब आ जाया करो, नहीं तुम्हें तो बेबी थोना थाना थाया बाबू ने थूतू तल्ली वो करना होता है तुम्हारे को। चलिए भाई सुन लो लास्ट बार, जो हमारे देश में लॉ बनाता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, जो हमारे देश में लॉ बनाता है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर, इतना याद रखना। इसमें दो होते हैं, जो देश के लिए लॉ बनाता है वो पार्लियामेंट, जो एक स्टेट के लिए लॉ बनाता है उसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, पढ़ेंगे आगे बहुत डिटेल में इसको, एक हाउस होता है लोकसभा, दूसरा हाउस होता है राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दो हाउस होते हैं, एक होता है विधानसभा, विधान परिषद, इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ये होती है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो कानून बनाते हैं, ये पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ चलाने का काम करती है, लॉ चलाने का काम मतलब जैसे कानून बनाने के बाद हम एक बॉडी को काम सौंप देते हैं, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, ये बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन उस एक्ट को चलाने के लिए एक बॉडी बनाई जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती है, जो लॉ चलाने का काम करती है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। और जब भी दो लोगों में डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो एक बॉडी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, उसे कहते हैं जुडिशरी, उसे क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं उसको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लेजिस्लेटिव कौन है? इनकम टैक्स एक्ट बना ना बेटा, इनकम टैक्स एक्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है ना बेटा, ये लेजिस्लेचर ने पास किया था, ठीक है बच्चा। चलिए आ जाओ, माय ड्रीम इज टू फ्लाई। कोई कह रहा है सर जॉब से लेट हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, कौन सी जॉब करते हो इतनी रात तक चलती है, हैं जी, ऐसी कौन सी जॉब है आपकी? चलिए ओके, नाउ ध्यान देना, आ जाओ ओके। मेरे को बताओ रात में मजा आता है पढ़ने में कि दिन में? बताओ रात में मजा आता है कि दिन में, बताओ वाला, रात में मजा आता है पढ़ने में कि दिन में मजा आता है? रात में मजा आता है सर, कई तो इतने कमीने लोग होंगे ना जो अभी लेक्चर वेक्चर नहीं देख रहे होंगे, अभी है ना स्वाइप कर रहे होंगे, कौन कौन है क्लास में जिन्होंने कैमरा ऑन रखा है देखे जरा, और पता चला किसी और को पिन करके बैठे हैं ये, हैं, पता चला जूम में सर जाए, भैया हैं, भैया सर का क्या है, सर तो रोज मिलेंगे, है ना, सर का क्या है, सर तो रोज मिलेंगे, अपना काम है भैया, कोई नई बंदी बंदे को देख लेते हैं भाई, जीवन वैसे ही सूखा सूखा चल रहा है, कुछ जीवन में माहौल बनाते हैं, रात का समय है, रात का समय है ना भाई साहब, कमीने लोगों, अगर किसी ने ऐसा किया मार खाओगे मेरे से, पढ़ाई करने आए हो तुम लोग यहाँ पे, समझ में आ रही है बात तुम्हारे को? तुम्हारे मम्मी पापा को बताता हूँ, नहीं तो सीधा कंप्लेन करता हूँ भी तुम्हारे घर पे मैं, हाँ बताता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को कि देखो आंटी आपके बालक को या बालिका को, ये देखो हर्ष वर्मा देखो कितने प्यार से पढ़ रहा है, ये हुई ना बात, वाह भाई वाह हर्ष वर्मा, प्राउड ऑफ यू बड़ी, बहुत बढ़िया वर्मा जी, वर्मा जी का लौंडा देखो टॉप करेगा। चलिए ओके आइए भाई, नौ ध्यान देंगे एवरीवन। सो यहां तक की हमारी बातें अच्छी खासी हो गई है, बहुत बढ़िया, मजा आया आप लोग के साथ में मेरे को यहां तक बहुत। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एकदम एकदम ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है संविधान ने आपको एक बहुत प्यारी चीज दिया, वो क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक बहुत प्यारी चीज दी है, उस चीज का नाम क्या है? कोई पता है किसी को? किसी को पता है? संविधान ने एक बहुत प्यारी चीज दी है, उस चीज का नाम क्या है? क्या बात है यार, उस चीज का नाम है फंडामेंटल राइट्स। ओ हो ओ हो, क्या चीज है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। संविधान ने हमें क्या दिए हुए हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो आपने क्लास फोर्थ में सिविक्स में पढ़ा होगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी पढ़ा है, सुना सुना लग रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कुछ सुना सुना या सुना सुना लग रहा होगा या सुना सुना लग रहा होगा, दोनों में से एक कुछ ना कुछ लग रहा होगा। है ना, ये कब था? सिविक्स में क्लास फोर्थ में था, है ना, सिविक्स में क्लास फोर्थ में पढ़ा होगा। यशिका कह रही है 12th में पढ़ा था। बहुत बढ़िया, चलिए ओके। नौ ध्यान देंगे सभी लोग, संविधान ने आपको दिए हुए बहुत सारे फंडामेंटल राइट। आपको पता है जब आप पैदा होते हैं आपको क्या मिलता है? बताओ, कौन बताएगा? जैसे ही पैदा होते हैं तो क्या मिलता है सर? क्या मिलता है सर? कपड़े मिलते हैं, माँ बाप दिलाते हैं कपड़े। नहीं, कई बच्चे ऐसा बोलेंगे सर हम तो पैदा ही कपड़े पहन के हुए थे। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे। तो यस, पैदा होते ही, जैसे ही आप पैदा होते हैं ना हमारे भारत देश में, आपको मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे ही आप पैदा होते हैं ना हमारे देश में, आपको मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं भैया। क्या मिलते हैं आपको? फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तो आदित्य कहता है नर्स की गोदी मिलती है। ये देखो भाई, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन नर्स की गोदी देखो इनको अभी तक याद है। चलिए ओके, तो ध्यान देना अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे प्यारी चीज जो मिलती है वो है फंडामेंटल राइट्स। संविधान ने कहा है हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट देगी सरकार। संविधान ने कहा है हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट देगी सरकार, और सरकार वर्ड यूज नहीं किया, संविधान ने कहा स्टेट। स्टेट सबको फंडामेंटल राइट देगा, स्टेट सबको फंडामेंटल राइट देगा, स्टेट सबको फंडामेंटल राइट देगा। अब ये स्टेट कौन होता है? ये स्टेट कौन होता है इसको तो हम कल पढ़ेंगे। ये स्टेट कौन होता है ना इसको तो हम कल पढ़ेंगे, है ना। संविधान ने कहा सबको फंडामेंटल राइट्स देगा स्टेट। अब ये स्टेट कौन होता है ये तो हम कल पढ़ेंगे भाई साहब, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेट कौन होता है। लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में करता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। चलो पहली बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मेरे को बताओ हमारे देश में एक सरकार है कि दो सरकार है? जल्दी बताओ, हमारे देश में एक सरकार है कि दो सरकार है? जल्दी से बताओ। चलो दो सरकार है, नाम बताओ उन दो सरकार के, नाम बताओ उन दो सरकार के। चलो और किसी ने लिखा अगर कांग्रेस और बीजेपी, वहीं आके बेटा फ्लाइंग, वहीं आके फ्लाइंग क्या, वहीं आके सीधा एक चपेट पड़ेगा तुम्हारे को। अभी ध्यान देना, तो दो सरकार है हमारे देश में, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। क्या बात है बे, होशियार हो बे तुम लोग, क्या बात है, होशियार हो गए बच्चे हमारी क्लास के भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हमारे देश में दो गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। अभी अभी ना वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे कि स्टेट गवर्नमेंट के? तो वो थे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन, जिसमें दीदी जीत गई, ममता जी जीत गई, ठीक है। एमपी में जैसे आपने सुना होगा कि बीजेपी की सरकार है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, पंजाब में कांग्रेस की है, सुना होगा ना आप लोगों ने, सुना होगा है ना। यूपी में बीजेपी की है, यूपी में बीजेपी की है, सुना होगा ना ये सब आप। महाराष्ट्र में शिवसेना, ठीक है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इन सबकी गठबंधन मिक्स करके सरकार बनाई गई है महाराष्ट्र में, सुना होगा। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब स्टेट की गवर्नमेंट है, और देश की गवर्नमेंट एक अलग होती है। बताओ देश की गवर्नमेंट कौन है, जल्दी बताओ, देश की गवर्नमेंट कौन है? कौन सी गवर्नमेंट ये पूरा देश संभालती है? कौन है देश की गवर्नमेंट, कौन है? यस, देश की गवर्नमेंट जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है एट प्रेजेंट बीजेपी, है ना, मोदी सरकार, है ना। एट प्रेजेंट कौन है भैया? मोदी सरकार। 2019 में इलेक्शन हुए थे जिसमें मोदी जी सेकेंड टाइम जीते थे, अब 2024 में वापिस इलेक्शन होंगे, ठीक
ठीक है, 2024 में वापस इलेक्शन होने वाले हैं, लेट सी उस समय पता चलेगा कौन जीतता है, बट 2024 तक तो भैया मोदी जी की सरकार है, 2024 तक तो भैया किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है मतलब दो सरकार है कि यूनिटरी है एक सरकार है, तो क्या लिखना चाहिए, हमारे संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है यानी कि दो गवर्नमेंट है कि यूनिटरी है मतलब एक गवर्नमेंट है, क्या लिखना चाहिए हमारे संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है, दो गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट, क्या लगता है क्या लिखें, दो गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट। तो ध्यान देना हमारे हमारे संविधान में दोनों के फीचर्स हैं, वैसे तो फेडरल हैं लेकिन यूनिटरी के भी फीचर्स हैं, क्या है कैसे है मैं अब आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना सारे। हमारे देश में दो सरकार है, बोलो हाँ हाँ सर, दो गवर्नमेंट है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, तो ये फेडरल फीचर हो गया, ये फेडरल फीचर हो गया, बराबर है, हमारे देश में दो सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, तो ये फेडरल फीचर हो गया, ये फेडरल फीचर हो गया कि हमारे देश में दो सरकार है, बराबर है। अच्छा, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, यस, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ टॉपिक्स पे लॉ बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट कुछ टॉपिक पे लॉ बनाएगी, ठीक है। हमारे देश में आपको पता है तीन लिस्ट है, एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट, एक का नाम है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितनी एंट्रीज हैं 97 उस पर लॉ बनाती है पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट में जितनी एंट्रीज हैं वो है 66 उसमें लॉ बनाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में जितनी एंट्रीज हैं जो कि है 47 उसमें लॉ बना सकते हैं दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, रेलवे यूनियन लिस्ट में आता है तो रेलवे पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, लिकर मतलब दारू, लिकर स्टेट लिस्ट में आता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। वही एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इसलिए दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, इसलिए आपने देखा होगा सीबीएसई जो सेंट्रल लेवल का है और स्टेट बोर्ड जो स्टेट लेवल का है, दोनों ही एजुकेशन हमारे देश में चलते हैं, है ना, दोनों ही एजुकेशन हमारे देश में चलते हैं। तो ये कुछ एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, हमारे देश में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट इसमें जितनी एंट्रीज हैं 97 ऐसी एंट्रीज हैं, है ना, इस पे लॉ कौन बनाता है भैया, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जैसे कि रेलवे, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि कंपनी, है ना, इस पे लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में जितनी एंट्रीज हैं जो कि 66 हैं, इस पे लॉ बनाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि दारू, गुटका, इस पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें 47 एंट्रीज हैं, इसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है लॉ, ठीक है। और जैसे कि एजुकेशन, इसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अच्छा, मान लो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री पे दोनों गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और डिस्प्यूट हो गया तो कौन जीतेगा। मान लो एजुकेशन में लॉ बनाया स्टेट ने भी और यूनियन ने भी और दोनों में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो कौन जीतेगा, यूनियन जीतेगी भैया। तो ये पता है किसने डिवाइड करके दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो हमारे देश में दो सरकार है, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, ये फेडरल फीचर है, फेडरल फीचर। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है ये सब, और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कैसा है, बोलो, सुप्रीम है, सुप्रीम सबसे ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है भैया, संविधान के ऊपर कोई नहीं, सबसे बड़ा है वो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। दो गवर्नमेंट है, दोनों के बीच पावर डिवाइडेड है, पावर डिवाइड कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अच्छा, हमारे देश का लॉ कैसा है, ओरल है कि रिटन है, रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बोलो कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, कि भैया चेंज करना इतना आसान नहीं, रिटन है। अच्छा, आपको पता है इसको अगर चेंज करना बहुत रिजिड प्रोसेस है, अगर संविधान चेंज करना है तो बहुत रिजिड है, रिजिड प्रोसेस टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन,
रिजिड प्रोसेस टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है ना, आसान नहीं है, टफ है, रिजिड प्रोसेस है। इतना ऐसा हलवा नहीं है कि मोदी जी आ गए मित्रों चलो आज संविधान बदलते हैं। अरे निर्मला सीतारमन इधर आओ मेरे पास बैठो, स्मृति ईरानी अरे यार क्या साड़ी में आ गई, जीन्स टॉप में आती तो माहौल लगती, आओ बैठो स्मृति। मोदी जी आप सभी को कहना चाहते हैं आज संविधान बदल देते हैं, आज संविधान पूरा बदल देते हैं। अबे मोदी जी ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, संविधान को बदलना आसान थोड़ी है। मोदी जी मतलब जब चाहे कुछ भी कर लेंगे, पगले हो गए क्या? हमारे देश में दो सरकार है, दोनों के बीच पावर डिवाइडेड है, संविधान सबसे बड़ा है, संविधान लिखा हुआ है, और संविधान बदलना है तो टफ है भाई, आसान नहीं है, आसान नहीं है, टफ है। और कभी अगर मान लो दो सरकार में डिस्प्यूट आ भी गया, झगड़ा हो भी गया, तो जुडिशरी जो है मतलब जो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी को कहते हैं कोर्ट्स, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को चलाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो ये सब है हमारे फेडरल फीचर्स। ये सब क्या है बेटा? ये सारे के सारे हैं फेडरल फीचर, ये सारे के सारे हैं फेडरल फीचर्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा संविधान फेडरल तो है, हमारा संविधान फेडरल तो है, क्योंकि भाई यहाँ दो सरकार भी है, दोनों के बीच पावर डिवाइडेड भी है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी है, संविधान रिटन भी है, संविधान को बदलना है तो टफ प्रोसेस भी है, और जुडिशियरी इंडिपेंडेंट भी है। तो ये सब फेडरल फीचर है, मतलब हमारा संविधान कहता है कि हमारे यहाँ दो सरकार है, दोनों के बीच पावर डिवाइडेड है, संविधान सबसे बड़ा है, संविधान लिखा हुआ है, बदलना है तो टफ प्रोसेस है, जुडिशियरी मतलब जो न्यायालय है हमारे देश का, कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, जब भी झगड़ा होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जुडिशरी डिसीजन देगा जो इंडिपेंडेंट है। ये सब फेडरल फीचर है। वहीं कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, वहीं कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। मेरे को बताओ आपके पास कितनी सिटीजनशिप है? आपके पास दो सिटीजनशिप है, महाराष्ट्र की अलग से, मध्य प्रदेश की अलग से, छत्तीसगढ़ की अलग से, ओडिशा की अलग से, बंगाल की अलग से, गुजरात की अलग से। क्या सिटीजनशिप आपके पास सिर्फ स्टेट की है और कंट्री की अलग है, किसी वे की सिटीजनशिप है कंट्री की? हमारे देश में देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप है बस। ये हो गया यूनिटरी फीचर, एक ही सिटीजनशिप है। जैसे यूएस में दो सिटीजनशिप है, क्योंकि यूएस प्योर फेडरल है, वहां पे दो सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप, कंट्री की अलग सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है, दो सिटीजनशिप नहीं है हमारे यहाँ पे। संविधान कितने हैं? एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान भी एक ही है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा अगर मान लो इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है इंडिया को कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है इंडिया को? सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। अच्छा कोई ऐसा मामला है जिसपे आज तक लॉ नहीं बना, तो उसपे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट? मान लो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, आज तक इस पर कोई लॉ नहीं बना, तो कौन लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट? तो आंसर इज रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर मतलब जिसपे आज तक लॉ नहीं बना उस पर लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिड्यूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, मतलब जिस टॉपिक पे आज तक लॉ नहीं बना उस पे लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। तो ये है यूनिटरी फीचर कि हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है, हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में इंडिया को रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ऐसा टॉपिक जिसपे आज तक लॉ नहीं बना उस पे लॉ पार्लियामेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस पे लॉ बना ही नहीं सकती। ये सब जो फीचर्स हैं ये यूनिटरी हैं। सर मतलब साला हमारा देश फेडरल भी है यूनिटरी भी है, हाँ ऐसा कैसे? तो हम लोग कहते हैं ये डिसाइड हुआ था केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कि संविधान का स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान का स्ट्रक्चर है,
हमारे संविधान का स्ट्रक्चर है बेसिकली फेडरल, बेसिकली फेडरल विथ सम यूनिटरी फीचर, विथ सम यूनिटरी फीचर्स। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे संविधान का कैसा स्ट्रक्चर है तो आप बताओगे इट्स बेसिकली फेडरल, वैसे तो दो सरकार है लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर भी हैं। तो हमारा संविधान ना प्योरली फेडरल है ना प्योरली यूनिटरी है, इट्स बेसिकली फेडरल विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, इट्स बेसिकली फेडरल विथ सम यूनिटरी फीचर्स, इट्स बेसिकली फेडरल विथ सम यूनिटरी फीचर्स। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना, हमारा देश कैसा है आइए देखते हैं। हमारा देश दो सरकार वाला है कि एक सरकार वाला है कि दोनों का मिक्स है, तो आइए देखते हैं हमारे देश में फेडरल फीचर क्या है। हमारे देश में दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच पावर डिवाइडेड है, बिल्कुल अच्छे से डिवाइडेड है। संविधान सबसे सुप्रीम है, ठीक है भाई, संविधान लिखा हुआ है, ठीक है भाई, संविधान बदलना है तो टफ प्रोसेस है, रिजिड प्रोसेस है, ठीक है भाई। जुडिशरी हमारे देश के इंडिपेंडेंट है ना, हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भाई, हमारे देश की जो जुडिशरी है, हमारे देश का जो न्यायालय है वो किसी से नहीं चलता, वो खुद चला चलता है भाई न्यायालय, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती न्यायालय को, वो खुद चलता है। तो ये हमारे फेडरल फीचर्स हैं कि दो गवर्नमेंट है, दोनों के बीच पावर डिवाइडेड है, संविधान सबसे सुप्रीम है, संविधान लिखा हुआ है, संविधान बदलना है तो टफ प्रोसेस है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, ये हमारे फेडरल फीचर्स हैं। क्या है फेडरल फीचर? दो सरकार है, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, संविधान हमारा सुप्रीम है, संविधान हमारा लिखा हुआ है, कुछ बदलना है तो टफ प्रोसेस है, हमारी सरकार, हमारे जो जुडिशरी, जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ये हमारे फेडरल फीचर्स हैं। वही यूनिटरी फीचर क्या है? हमारे देश में सिटीजनशिप एक ही है, संविधान एक ही है, इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, और ऐसा टॉपिक जिस पे आज तक लॉ नहीं बना, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, इस पे कौन बना सकता है लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इसे कहते हैं यूनिटरी फीचर। तो हमारा देश कैसा है? हमारा देश ऐसा है बेसिकली फेडरल विथ सम यूनिटरी फीचर्स। कैसा है हमारा देश जल्दी बताइए, बेसिकली फेडरल विथ सम यूनिटरी फीचर्स। कैसा है हमारा देश? बेसिकली फेडरल विथ सम यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। ये है हमारा देश, प्यारा सा देश, प्यारा सा देश। एमरजेंसी की किसी ने बात की है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट ये दिस इज अबाउट यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में पूछते हैं, अगर आपको आगे एग्जाम में किसी संविधान का स्ट्रक्चर बताओ, ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया आपको फेडरल, यूनिटरी, कॉजी फेडरल, नन ऑफ द अबाव, क्या लिखोगे? कॉजी फेडरल। कॉजी फेडरल मतलब अलाइक फेडरल, कॉजी मतलब अलाइक, कॉजी मतलब जैसा, तो फेडरल जैसा, कॉजी फेडरल मतलब फेडरल जैसा, पूरा फेडरल नहीं है, फेडरल जैसा है, इसे कहते हैं कॉजी फेडरल, अलाइक फेडरल, फेडरल जैसा, करेक्ट है। तो हमारा संविधान कैसा है? कॉजी फेडरल, फेडरल जैसा है। कैसा है जल्दी बताओ? फेडरल जैसा है, जैसा, ठीक है, कैसा है जल्दी बताइए जी? फेडरल जैसा है। एमरजेंसी अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, एमरजेंसी अपन पढ़ेंगे, चिंता ना कीजिए, एमरजेंसी पढ़ेंगे, चिंता ना करो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अदिति शुक्ला जी कह रही हैं, सर बोलो अदिति शुक्ला जी क्या हो गया? अदिति जी, शुक्ला जी क्या हो गया? शुक्ला जी, सर नेट के आई वॉन्ट टू सिंग, चैटिंग कर रहे हैं कई लोग। आदित्य कुमार सिंह इज वेरी डिस्टर्बिंग। आदित्य कुमार सिंह भाई क्या कर रहे हो आप? चलिए भाई, ए भाई, ए ओए, तुम लोगों ने ना अभी रुको, अभी कल से किसी ने कमेंट किया है ना, कल से किसी ने, तुमने ऐसी बकवास करी है ना मेरे पढ़ाते समय, मार खाओगे मेरे से, ठीक है, मार खाओगे भाई। तुमने अभी तक मेरा ना प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है, गुस्सा आएगा ना मेरे को, एक एक को बेटा मार मार के, बेटा तुम्हारी हड्डी पसली एक नहीं हो गई तो देखना फिर, ठीक है। जब पढ़ाई हो रही है तो कोई बकवास नहीं करने होना, है ना जी, जब पढ़ाई चल रही है ना एकदम, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना कोई चीज तो पढ़ा करो, है, इधर यहाँ पे बकवास ना किया करो। अगर मेरे को कोई दिखा ना यहाँ पे बकवास करते हुए आपसे तो देखो फिर तुम, ठीक है, फिर देखो तुम, तुम्हें मैं बताता हूँ फिर, ठीक है, फिर बताता हूँ मैं, तुम्हारी बैंड बजाता हूँ फिर, ठीक है भाई साहब। कोई कह रहा है सर चैट्स पढ़ो, हाँ बस अब यही टाइम रह गया मेरे पास, चैट्स पढ़ते बैठूं मैं तुम्हारी, है भाई,
चलिए ओके, चलिए जी, वेरी गुड बॉस। नो गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, अभी कोई ना, ये जब पढ़ाई करा रहा हूं मैं, मेरे को दिखा है अगर किसी ने बात करते हुए भाई, तो मैं सीधा ना, अभी ना, अब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा भाई, ठीक है, अब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सो ये ना एक लास्ट वार्निंग समझ लो, या प्यार समझ लो, मोहब्बत समझ लो, जो समझना है समझ लो। बकवास नहीं और करना जब मैं पढ़ा रहा हूं, तब मैं करवाऊं बकवास वो चलेगा, ठीक है, तुम नहीं करोगे, ठीक है, तुम नहीं करोगे ये भाई, तुम समझ लो, ठीक है जी, ओके जी, चलिए, चलो भाई, ओके। सर गाना गाऊं क्या? पीयूष जी कह रहे हैं गाना गाऊं क्या, चलो गाना गाना है किसी को, क्या बात है, क्या बात है, गाना गाना है किसी को, कौन गाने गाना, चलो बाकी की बातें हम कल करने वाले हैं एनीवे। ये कौन है भाई, झंडू, आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, तेरे को लव यू बोलने का शौक है ना, इसकी बैंड बजाता हूँ, मेरे को अभी इसकी बैंड बजाता हूँ, ये इसने माफी नहीं मांगा ना, तो अब भी देखो तुम, अब भी देखो तुम, इसने माफी नहीं मांगा ना, अब भी तो तुम देखो, अब भी देखो, अब भी देखो तुम, अब भी। हेलो किशोर, किशोर, अरे अपने पास वो है ना, वो बंदा हैकर, अरे वो साइबर कैफे से नहीं गया, वो साइबर क्राइम वाले ऑफिसर, आदित्य सर, आदित्य सर नहीं, आदित्य तो ये है, क्या नाम था, हितेश सर, हाँ, तो उनको अपना जूम का ये देना, है ना, अपना जूम का ये देना आईडी पासवर्ड, उसमें कोई आदित्य कुमार सिंह करके है, उसका नंबर निकाल, तो उसका नंबर निकाल, हाँ पुलिस कंप्लेन नहीं करना है, नहीं, पुलिस कंप्लेन मत करना, सिर्फ नंबर निकाल उसका, ठीक है, हाँ, और एड्रेस निकाल बस, हाँ बस हो गया, बस इतनी चीज निकाल दे, दैट्स इट, ओके बाय। चलिए भाई अभी मजा आएगा भिड़ू, अभी उसका नंबर निकलेगा ना तो बताता हूँ मैं, चलिए जी ओके, चलिए भाई ओके भाई। सो अच्छा, मैंने आज जो पढ़ाया है आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है, मैंने आज आपको जो पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आज आपको जो पढ़ाया है आप करोगे, ठीक है, पक्का करोगे, ठीक है, पक्का करोगे, 100% करोगे, चलो ठीक है ओके, वेरी गुड गाइस। तो आज मैंने जो पढ़ाया आप लोग घर पे करोगे, कल हम लोग 12 बजे ही मिलेंगे, कल मैं आपको जितना पढ़ाया उतना पूरा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है बॉस, कल मैंने आपको जितना पढ़ाया हुआ है ना पूरा रिवाइज करा दूंगा प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अभी किसी को गाना गाना है, बहुत सारे लोग गाना गाना चाहते हैं, चलो भाई गाना गवा देते हैं आपको, कोई बात है क्या भाई, कोई बात है, ज्यादा नहीं, एक आधी दो सॉन्ग सुनते हैं फिर उसके बाद में छुट्टी करते हैं, ठीक है, चलो किसको गाना गाना है बॉस, किसको गाना गाना है बॉस, बोलो बॉस, नहीं तुम बोलो बस, कौन गाना गाना चाहता है बोलो बस, याशी जैन को गाना है, पवन को गाना है, वेरी गुड, चलो आज याशी और पवन का नंबर है, बाकी बातें बाद में करते हैं, आ जाओ याशी जी, याशी जी, याशी जी, एक मिनट, याशी जैन, हेलो याशी जी, कैसे हो याशी जी, क्या हाल चाल है याशी जी आपके, फाइन सर, नमस्ते याशी जी, एक मिनट नमस्ते। रुकना, एक मिनट रुकना बेटा, बस ओके रातें फरेबी, ला 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 ला, मैं मेरे यार, मेरा यार है जहां है, ये निक निक्के शॉट्स, ये छोटे छोटे शॉट्स, अरे एक मिनट यार ये हो नहीं रहा है, एक मिनट रुकना बस, ओके ओके एक मिनट रुकना बस, एक मिनट रुकना बस, ओके सर, एक मिनट आशी जी रुकना, ओके यार ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा मेरे फोन से, चलो हुआ, अभी हुआ, परफेक्ट, ओके याशी जी, कैसे हो आप याशी जी, क्या हाल चाल है आपके, नमस्ते याशी जी, कैसे हो आप याशी जी, फाइन सर, हेलो, जय जनेंद्र, जय जनेंद्र। ओके सुनाओ याशी जी गाना, हेलो, कोई दीवाना
समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बाद समझता है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ तू मुझसे दूर कैसा है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ तू मुझसे दूर कैसा है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी आंसुओं की बारिश में तुम भीग जाओगे। अरे बाप रे तुमको ठहर कर देती साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहर कर देती साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से बॉम्बे लौट जाओगे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। खेल के गई तू मेरे जज्बातों से यादें रुलाती है तेरी अपराधों में कहती थी रहूंगी साथ तेरे मैं छोड़ गई मुझे कैसे आना तो मैं तुझसे ही याद किया था प्यार रब का ख्याल जब तू थी बीमार क्या मैं था बंदा इतना खराब के बिना बताए तो होगी फरार लगता था साथ हम जीवन बिताएंगे वादे हमारे पूरे हो जाएंगे बातों ही बातों में बुढ़े हो जाएंगे पता नहीं था फिर के टुकड़े हो जाएंगे मुझको टुकड़ों में नहीं जीना है। ओ भाई साहब रात नहीं पीना है आज पैमान हटा दो यारों सर मैं खाना दिला दो यारों अकदो मैं तुझ पिया करता हूँ हाँ करता हूँ जल्दी राहों में भी पी लेने दो अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो हाँ जी लेने दो भरी बरसात में पी लेने दो भरी बरसात में पी लेने दो। थैंक यू सर। ओ भाई साहब कितने लोगों ने तेरा दिल तोड़ा बेटा। हाँ कौन था वो कौन था वो हाँ, तोड़ दिया वही तो समझ में आ गया भाई तूने इतने गाने गाई है मतलब भाई इतने गाने गाई भाई साहब ये सारे मतलब ये दिल टूटे आशिक वाले। ओ हो तोड़ दिया तो तोड़ दिया कहती है वाह भाई वाह क्या बात है। कहाँ से हो आप बेटा? झांसी। हाँ झांसी। झांसी से हो क्या बात है भाई झांसी से तो भाई रानी थी वहां की। अब वहां पे क्या है तुम आप गाने वाने बना रहे हो प्यार में थे क्या आप बहुत तगड़े वाले? हाँ सर एक साल पहले थे अब नहीं है। अच्छा एक साल पहले थे अब नहीं हो बहुत बढ़िया बेटे मौज कर दी एक नंबर गाना बनाया। ये कौन बेवकूफ है जो इतना डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो हाँ कौन मैं कॉल करता हूँ बाद में। चलिए ओके जी चलिए भाई बहुत अच्छा गाया बस भाई टैलेंट है तेरे में बंदी है भाई टैलेंट है यार बंदी में टैलेंट है बंदी में बहुत गजब एक नंबर। ये तूने बनाया रैप तूने बनाया ये? नो सर यूट्यूब पे है ना। अच्छा यूट्यूब पे है क्या मैं कहा वहां भाई वाह क्या बात है चलो बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त। और किसको गाना गाना था? द पीयूष को गाना गाना था ये लास्ट है उसकी बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है करते रहेंगे भाई गाने गाते रहेंगे टेंशन मत लो। द पीयूष शिवारे हाँ जी गौरी शी पक्का आप गाना गौरन शी पक्का पक्का गाना आप नेक्स्ट टाइम। हेलो पीयूष को गाना गाना था। हेलो पीयूष। हेलो सर। हाँ भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई जी सर बताओ कौन सा गाना है भाई तेरे को जो सबसे अच्छा आता हो। वैसे तो सभी आते हैं। क्या बात है तो सुना दे फिर हनी सिंह वॉल्यूम 1। एक मिनट ए मस्ती कर रहा हूँ मैं ए भाई मस्त एक मिनट कहता है मस्ती कर रहा हूँ मैं वो मत सुना देना बताओ आप मैं लिरिक्स निकाल लेता हूँ। देखो जो गाना है गा प्यार से अच्छा वाला
हार्ट बीट तेज हो गई मेरी, आज स्वस्थ है। क्या कह रहा है? डर सा लग रहा, डर सा लग रहा है बेटा। पहली बार में डर ज्यादा लगता है, फिर ये बुस्ट हो जाते हैं तो डर कम होता है। पहले क्या है, पहली पहली बार में डर लगता है, फिर धीरे 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 जैसे कंफर्टेबल होते हैं ना, फिर मजा आता है, फिर मजा आने के बाद में सारा डर दूर होता है, फिर हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है। और जितने लोगों ने इस चीज में गंद सोची है ना, यू शुड हेट योर माइंड। चलो ओके ओके भाई, कौन सुनो। सा गांव मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा गांव है? अरे कोई भी यार, आप बताओ। अबे मैं क्या, आप बताओ। चल ठीक है, मैं कहता हूँ, तू सुना भाई मेरे को, तू सुना। अब ये जो आया ना नया वाला गाना, ओ राता लंबियां लंबियां वे कटी तेरे संगियां संगियां, ये तो सर आपको भी नहीं याद है, मैं कैसे सुना दूं? ये तो आपको भी नहीं याद है, मैं कैसे सुना दूं? क्या ये लिरिक्स तो आपको भी नहीं याद है पूरा। क्या कह रहा है ये? आपको याद है कि जो आपने गाया ना वो सारे याद है मेरे से? अच्छा, जो मैंने गाया हुआ है पहले वो वाला कहूं तेरे को कोई? अच्छा तो भाई तू सुना दे, दरिया सुना दे, दरिया सुना दे। हाँ एक मिनट, मैं ये तू जाने ना वाला सुना देता हूँ ना। जब तेरे को सुनाना तेरी मर्जी का था तो तू क्या ढिंढोरा पीट रहा था? जो आप बोलो, जो आप बोलो, जो आप बोलो। जब तेरे को सुनाना तेरी मर्जी का था तो भाई तू फिर से क्या पूछ रहा था? चल ठीक है सुना। मिल के भी हम ना मिले तुमसे, न जाने क्यों दिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने उल्को तले, तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए, क्यों तुझको चाहे यार बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल यार, अच्छी आवाज है आपकी। चलो यार, ये गौरीशी गुस्सा हो रही है तो गौरीशी एक लास्ट सॉन्ग गाएगी, उसके बाद में डन, ठीक है? गौरीशी जी गुस्सा हो रही है, कहती है सर आप मेरे को गाना नहीं गवा रहे हो। कहाँ गई गौरीशी? दिख नहीं रहा यार यहाँ पे मेरे को, दिख नहीं रहा यार यहाँ पे, क्या नाम से था, दिख नहीं रहा बॉस। दिख नहीं रहा है, चलो ओके फिर अभी ना आपका दिख नहीं रहा है गौरीशी आपका अनम्यूट करने का, है ना? सो बाकी बातें अपन करते हैं फिर। गौरांशी है वो? अच्छा गौरांशी है क्या? अब भाई जो है, गौरी दिख रही है भाई यहाँ पे, गौरव दिख रहा है यहाँ पे, गौरांशी तो नहीं दिख रही है। चलिए जी ओके ओके, सो अपन क्या करते हैं अभी, बाकी बातें कल करते हैं, ठीक है? समय भाई हो रखा है अच्छा खासा, तो सो जाओ अच्छे से आप लोग, ठीक है? फिर अपन बाकी बातें करते हैं, टेंशन मत लो, ये अपन ये करते रहेंगे सेशंस, डोंट वरी, ठीक है? चलो मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाता हूँ छोटी सी, फिर अपन डन करते हैं, ठीक है? ठीक है, एक छोटा सा गाना सुनाता हूँ फिर अपन डन करते हैं, ओके बॉस? चलो सुनो बॉस, प्यारा सा गाना बॉस, सुनिए बॉस। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। चलिए ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं एवरीवन कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, एंड कल 12 बजे ही लेक्चर है, सो ये लेक्चर मैं अभी अपलोड करवा दूंगा उसके पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विल मिस यू, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, मिस मी टू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू अ लॉट, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय बाय।